हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल एंड आई एम शिल्पी एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मैं शिल्पी हूँ। मैं पोस्ट करती हूँ मेकअप, ब्यूटी, लाइफस्टाइल रिलेटेड वीडियोस अल्टरनेटिव डेज एंड कभी कभी तो डेली भी। तो अगर आपको मेरा कॉन्टेंट एंड मेरी वीडियोज़ पसंद आती है तो आप भी हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल हो सकते हैं। जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसको प्रेस करके और हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल हो जाइएगा। एंड आज का जो हॉल वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड है। आज मैं आपके साथ बहुत ही सारा बहुत सारा स्टफ शेयर करने वाली हूँ जो है H&M से एंड ज़ारा से। ये पूरा पैक है एंड बहुत टाइम से आप बोल रहे थे। अभी मैंने ब्लॉग जो शेयर किया था अपना देहरादून ब्लॉग, उसमें काफ़ी सारे आउटफिट्स मैंने इस बार H&M से पहने थे, तो आप सबको काफ़ी पसंद आ रहे थे, आप लिंक्स के लिए बोल रहे थे। तो आज मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। कुछ मैंने ऑनलाइन परचेज किए हैं, कुछ मैंने ऑफलाइन। ऑनलाइन जो मैंने परचेज किए हैं उनका लिंक मैं नीचे आपको दे दूंगी, ट्राई करूंगी जो मैंने ऑफलाइन भी लिए हैं उनका लिंक भी आपके साथ शेयर कर सकूँ। एंड कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मैंने काफ़ी पहले खरीदे थे एंड बार बार आप उनको पूछते हैं, तो वो भी आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दूंगी। वीडियो आपको पसंद आती है एंड आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सिर्फ आपका एक सेकेंड लगता है। तो अभी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 13-14 स्टफ है जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो लंबा होगा। पहले मैं इसके सोच रही थी कि 2 पार्ट्स बना लूँ, लेकिन मैंने सोचा फिर एक ही पार्ट्स में इसको पूरा बना लेते हैं, ज़्यादा ना बोलते हुए साइज एंड डिटेल्स ज़्यादा ना बताते हुए जो मैं बताती हूँ। बिकॉज जब भी मैं किसी का प्रोडक्ट का डिटेल्स बताने लगती हूँ ना, तो उसको सारी चीज़ बताना शुरू कर देती हूँ, कैसे उसको स्टाइल कर सकते हैं, कितना यूज़ हो सकता है। मेरे को लगता है कि सारी चीज़ें बताना चाहिए, लेकिन वो वीडियो फिर लंबा हो जाता है। बहुत गर्ल्स बोलते हैं कि दीदी आप बहुत बोलते हो, बट जब मैं बोलना शुरू करते हो, मैं ट्राई करूंगी कि मैं छोटी छोटी चीजें डिटेल्स में आपको बताऊं। तो स्टार्ट करते हैं बॉटम वियर से। पहले ज़ारा एंड H&M का बॉटम वियर शेयर करूंगी, देन शर्ट शर्ट एंड टॉप्स। तो फर्स्ट जो बॉटम वियर मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो सुपर अफोर्डेबल है, डेफिनेटली आपको इसको एक बार ट्राई करना चाहिए। स्टोर पे भी अवेलेबल है एंड ऑनलाइन भी अवेलेबल है, मैंने इसको ऑनलाइन ही परचेज किया है। वो है ये वाइड लेग जींस, सुपर हाई वेस्टेड है ये, पूरा ऐसे ऊपर से ये पूरा फिट मिल जाता है, नीचे से इसका जो लुक है वो वाइड लेग्स में है। मैं सबकी फोटोज या ट्राई ऑन आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो आप लुक्स देख लीजिएगा कैसा लगने वाला है पहनने के बाद। एंड सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है साइज में, तो मैंने जो इसमें अपना साइज पिक किया है वो है EUR 48 एंड US 8। तो यहाँ पे मेरा ये साइज है। इसमें लास्ट टाइम मैंने इसका क्या किया था, EUR 42 ले लिया था, तो वो मुझे वेस्ट से काफ़ी लूज आ रहा था। वो जींस भी मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगी। एंड इसका जो मेरे को फिट आया है वो बिल्कुल परफेक्ट आया है, मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। मतलब इसका जो फैब्रिक क्वालिटी बहुत अच्छा है। इसमें आपको कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, मैंने ये लाइट ब्लू शेड में लिया है। इसमें आपको 4 कलर्स मिल जाएंगे, ग्रीन कलर है, ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर आजकल काफ़ी ज़्यादा इन है, बिकॉज फॉल वेदर में ब्राउन कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें ग्रीन कलर है, लाइलेक कलर भी है, लेकिन लाइलेक मुझे लेना नहीं था, बहुत सारा हो गया था, इसलिए मैंने इसको इस बार ब्लू कलर में पिक किया। लिंक इसका जो होगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड इसका जो प्राइस है वो है 1299। इस वाले प्राइस में डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए, हाईली 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 रिकमेंड करूंगी इस वाली जीन्स को मैं आपको। एंड नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो अगेन H&M का एक जीन्स है, वो है कि मॉम जीन्स। ये भी हाई वेस्टेड है एंड यहाँ पे ऐसे इसमें रिब की डिटेलिंग है, यहाँ पे ऐसे पूरा नीस के पास एंड थाइस के पास ये सब मिल जाती है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया, इसका साइज जो मैंने लिया था वो था EUR 42, तो ये मुझे वेस्ट से थोड़ा सा लूज आता है, मतलब थोड़ा के काफ़ी लूज आता है, लेकिन मेरे को थोड़ा आइडिया नहीं था। मेरा जो नॉर्मल साइज है वो है 28, तो अगर आपका नॉर्मल साइज 28 है तो आप EUR 40 ही पिक कीजिएगा, एंड अगर आपका साइज 30 है तो आप EUR 42 साइज पिक कीजिएगा, तो आपको फिट आएगा। एंड यहाँ पे इसका जो कलर है ये बहुत ही लाइट ग्रीन सा है, इसमें भी कलर शेड अवेलेबल है, ब्लैक कलर है, डार्क ब्लू कलर है। ये वाली जीन्स मैंने आई थिंक 2 या 3 मंथ्स पहले ली थी, लेकिन काफ़ी अच्छी है। H&M की जीन्स थोड़ा कॉस्टली होती हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल एंड बहुत ही ज़्यादा क्लासी लगती हैं। इसका जो प्राइस था वो था
2400 के अप्रॉक्स था शायद इसका जो प्राइस था, लेकिन इस प्राइस में मेरे को इसका वर्थ लगता है। एंड यहाँ पे आपको क्लोजर के लिए बटन्स मिल जाएंगे, इसमें जिप की डिटेलिंग नहीं है, यहाँ पर क्लोजर के लिए सारे बटन्स मिल जाते हैं। मुझे ये वाले जो बटन्स की डिटेलिंग है ना, वो मुझे कम पसंद आती है, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। मतलब पहले बटन्स लगाओ, जिप हो तो ईजिली ऐसे कर सकते हैं, लेकिन चलो कोई नहीं। मैंने इसका ध्यान नहीं दिया था, लेकिन परचेज करते हुए तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको भी ये बहुत इरिटेट करते हैं तो मतलब इसमें आपको ये बटन्स मिलने वाले हैं, लेकिन सुपर क्लासी जीन्स है, मतलब बहुत अच्छी है। अब जो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है ये बरमूडा शॉर्ट्स। इसको मैंने अभी परचेज किया है जब मैं देहरादून गई थी वहां के H&M से। इसमें भी 3 शेड्स थे, ब्लैक कलर, लाइट ब्लू एंड एक था बेज कलर। मैंने इस बार इसको ब्लैक कलर में लिया है। मेरे पास एक जारा का भी ब्लैक कलर का बरमूडा शॉर्ट है, आपने शॉर्ट्स है आपने देखा होगा, आप काफ़ी गर्ल्स उसको पूछते हो। वो वाला जो शॉर्ट्स था वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली था, आई थिंक उसका प्राइस 3000 के अप्रॉक्स था, लेकिन ये वाला शॉर्ट्स काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। इसका जो प्राइस है वो है 1300 के अप्रॉक्स है, तो ये काफ़ी अच्छा है। एंड इसमें जो मैंने अपना साइज पिक किया है वो है EUR 38। मुझे समझ में नहीं आया कि EUR 38 कैसे मेरे को फिट हो गया, क्योंकि जीन्स का मैं जो साइज लिया है मैंने वो 40 लिया है, तो शायद शॉर्ट्स का कुछ इशू, मतलब शॉर्ट्स का कुछ हो सकता है कि उसका थोड़ा साइज अलग हो, लेकिन ये वाला शॉर्ट्स में मुझे बिल्कुल परफेक्ट आया है। इसको आप बहुत तरह से यूज कर सकते हैं, अपनी शर्ट के साथ, लॉन्ग शर्ट के साथ, जैसे मैंने लेयरिंग के साथ इसको वियर किया है, टी शर्ट के साथ, एंड आजकल तो ब्लेजर के साथ भी काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं बरमूडा शॉर्ट्स, साथ में स्नीकर्स वगैरह लो तो काफी कूल एंड काफी स्ट्रीट स्टाइल वाला लुक आता है। तो इस वाले शॉर्ट्स को आप देख सकते हैं, इसका जो फैब्रिक है वो है डेनिम, एंड क्लोजर के लिए यहाँ पर बटन्स एंड जिप की डिटेलिंग मिल जाती है। नेक्स्ट अब जो मैं बॉटम वियर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो आप गर्ल्स का मोस्ट रिक्वेस्टेड बॉटम वियर है, वो है जो मैंने अपने बर्थडे पे पहना था, लाइट ग्रीन कलर का बॉटम वियर, सुपर हाई वेस्टेड है ये भी, ये है पैंट्स। इसको मैंने परचेज किया था जारा से, एंड ये थोड़ा सा कॉस्टली है, मतलब थोड़ा सा कॉस्टली की तरफ चला जाता है। इसका रेंज जो है आई थिंक मैंने 2800 के अप्रॉक्स खरीदा था, बट बर्थडे था तो बनता है, इतना तो बर्थडे पे किया जा सकता है। वैसे मैं थोड़ा सा चीजें देख के खरीदती हूँ, चाहती हूँ कुछ अफोर्डेबल ही मिल जाए, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें स्टेटमेंट चीज ऐसी होती हैं कि वो उनका लुक जो होता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। आप भी ये चीज मानते ही होंगे ना, मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं कि आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत ज्यादा यूज होती हैं। वो है मेरी ये वाली जीन, ये है पैंट, इसको मैंने परचेज किया था जारा से। इसमें बहुत सारे इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन हैं, इसमें ब्लैक कलर, बेज कलर, लाइलिक कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, आई थिंक बहुत सारे 10 शेड्स अवेलेबल हैं इसमें, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैंने इसको परचेज किया था ऑनलाइन ही लिया था शायद, मैंने इसको याद नहीं है मेरे को। वैसे लिंक इसका मिलेगा तो इसका लिंक तो मिल ही जाएगा, बिकॉज ये बहुत सारी अवेलेबल है जारा पे, लेकिन इस पर कोई ऑफ नहीं है। आपको अगर परचेज करना है तो इसी प्राइस में इसको परचेज करना होगा। इसमें जो मैंने अपना साइज पिक किया है वो है स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, सारे साइजेस अवेलेबल हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। यहाँ पर क्लोजर के लिए हुक मिल जाता है, यहाँ पर जिप है, एंड अंदर एक बटन भी है। फैब्रिक जो है इसका वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फैब्रिक है, मतलब मटेरियल क्वालिटी बहुत अच्छी है, ज़ारा की है तो ऑब्वियसली बात है मटेरियल में कोई कमी नहीं होगी, अच्छा ही होगा। एंड बेस्ट पार्ट इसका लगता है कि यहाँ पर है ना ऐसे कुछ स्टिचिंग की डिटेलिंग है, एंड यहाँ पे ये पॉकेट्स नहीं है, सिर्फ ऐसे यहाँ पे ऐसे डिज़ाइन दिया हुआ है, बैक से भी कुछ इस टाइप से है, यहाँ पे कट मिल जाता है, एंड यहाँ पे ऐसे स्टिचिंग की डिटेलिंग है। तो अगर आप कुछ फॉर्मल वेयर में पैंट ढूंढ रहे हैं तो इसके साथ जा सकते हैं, अपनी शर्ट को भी पहन सकते हैं इसके साथ, अपने ब्लेजर को भी सकते हैं। इसकी स्टाइलिंग वीडियो में जल्दी ही आपके साथ शेयर करूंगी, बिकॉज ये इतनी ज्यादा वर्सेटाइल पैंट्स है ना, इसको बहुत तरह से यूज किया जा सकता है, एथनिक के साथ भी एंड इंडियन वेयर, लाइक इसको आप कुर्ती के साथ भी वेयर कर सकते हैं, उसके साथ भी ये अच्छा लगेगा। तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, वो मतलब दिल नहीं दुखता, वो अच्छा लगता है उसको। तो ये था मेरा बॉटम, नहीं एक मेरे पास और है जो मैंने खरीदा था, अभी मैं आपके साथ बॉटम वेयर दिखा रही हूँ, तो वो है ये स्कर्ट। आप गर्ल्स को ये वाला स्कर्ट मेरा काफी ज्यादा पसंद आता है, जब भी मैं इंस्टाग्राम पे कोई स्टाइलिंग वीडियो है कुछ भी शेयर करूं, तो वो है ये प्लेटेड स्कर्ट। यहाँ पर ऐसे इसमें इलास्टिक की डिटेलिंग है, दोनों तरफ इलास्टिक मिल जाती है, एंड इस पे कुछ इस टाइप का पैटर्न है ये।
स्ट्राइप्स वाला पैटर्न है। इस ऐसी वाली जो प्लेटेड स्कर्ट है बहुत आपको मिल जाएंगी इन काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में। इवन मैंने आपके साथ फ्लिपकार्ट की वीडियो में शेयर भी की है, उसकी स्टाइलिंग वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है। ब्राउन मैंने प्लेटेड स्कर्ट ली थी, आई थिंक उसका प्राइस 400 या 500 के अप्रॉक्स था। एंड ये वाली जो मैंने स्कर्ट खरीदी थी ये 2100 की थी। तो इतना इन्वेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है, इसको मैं बहुत ही कम पहनती हूँ। ये ब्लैक है तो तब, लेकिन ये इतनी ज़्यादा कैची लग रही थी तब मैंने इसको परचेज कर लिया। फैब्रिक क्वालिटी बहुत अच्छी है, ऐसे नहीं बोलूंगी कि अगर मैंने इस प्राइस में ली है तो मैं इससे कुछ मेरे को पसंद नहीं आया, मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो ये सारी थी मेरे बॉटम वेयर्स जो मैंने परचेज किए हैं H&M ज़ारा से। जब सेल होती है तो वहाँ पर आप ज़रूर देख सकते हैं, बिकॉज सेल में आपको अच्छे प्राइजेस मिल जाते हैं H&M ज़ारा पे। अभी तो कोई सेल नहीं थी तो इसलिए मैंने इनको सारा मोस्टली सबको जो प्राइजेस है उसी में परचेज किया है। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी स्वेटशर्ट, बिकॉज अभी चल रहा है फॉल वेदर, इसमें कुछ इस टाइप के हमें टॉप वेयर चाहिए जो मतलब हाफ हो तो ठंड भी ना लगे एंड पूरा पहनने के बाद ऐसा गर्मी वाला फील भी ना हो। तो फर्स्ट में जो आपके साथ शेयर करूंगी वो है ये ब्लैक कलर का स्वेटशर्ट ड्रेस। इसकी मैंने स्टाइलिंग वीडियो आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, आप सबको काफ़ी पसंद आई थी। एंड इसका जो पूरा लेंथ है वो मुझे नी तक आता है। एंड पूरा इसका फैब्रिक जो है कॉटन में है, अंदर से वॉर्म वाला नहीं है, लेकिन फुल स्लीव्स मिल जाती है। कुछ इसकी जो स्लीव्स है वो बैगी वाली स्लीव्स है। इसमें जो मैंने साइज पिक किया है वो है स्मॉल। एंड ये वाला जो मैंने लिया था ये मैंने डेडी से लिया था, इसको मैंने सेल प्राइस में लिया था। ओरिजिनल जो इसका प्राइस था आई थिंक 2000 या 2100 के अप्रॉक्स था और मैंने इसको 1000 रुपीज़ में लिया था। 1000 रुपीज़ में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है बिकॉज इसको बहुत तरह से यूज मैं कर चुकी हूँ। स्टाइलिंग वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की है एंड इसका जो पूरा मटेरियल है एंड फैब्रिक क्वालिटी वगैरह है वो काफ़ी अच्छी है। एज अ ड्रेस की तरह भी इसको वियर कर सकते हैं एंड स्वेटशर्ट की तरह तो वियर कर ही सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी H&M का वो सुपर ट्रेंडी प्रोडक्ट है, मतलब इन्फ्लुएंसर के पास आपने बहुत ही उस प्रोडक्ट को देखा होगा, हर जगह उसकी फोटोज आपने देखी होगी। वो है ये ग्रीन कलर का स्वेटशर्ट, इस पे लिखा है कैलिफोर्निया एंड इसका कलर ही अपने आप में इतना ज़्यादा प्रिटी। इस टाइप के कलर होते हैं ना, ग्रीन कलर, ब्राउन कलर, मतलब वो पहनने के बाद अपने आप ही एक अच्छी सी वाइब्स आ जाती है क्योंकि वाले कलर इतने ज़्यादा प्रिटी लगते हैं बहुत ही ज़्यादा। इसमें ब्राउन कलर मतलब यहाँ का डिज़ाइन अलग है, लेकिन इसमें स्काई ब्लू कलर, ब्राउन कलर, नियॉन कलर का एक मेरे पास स्वेटशर्ट आपने देखा होगा, उसको मैंने पिछली समर्स विंटर्स में काफ़ी स्टाइल किया था। अभी वो यहाँ पे नहीं है, हैदराबाद है मेरा। तो ये है क्रॉप स्वेटशर्ट, बहुत ही क्रॉप नहीं है, प्रॉपर इसका लेंथ आता है, इसका पूरा फुल स्लीव मिल जाता है। अंदर से इसका जो फैब्रिक है वो वॉर्म वाला है, बहुत ही वॉर्म नहीं है, लेकिन जैसे वो रुए हुए वाला फैब्रिक होता है वॉर्म वाला, उस टाइप का ये फैब्रिक मिल जाता है। जिसमें जो मैंने अपना साइज पिक किया है वो है मीडियम। इसको मैंने परचेज किया है ऑनलाइन एंड ये जब मैं अभी H&M स्टोर पे गई थी इसके साथ एक स्कर्ट भी मिला था। ऐसे मतलब मेरे सामने सामने आई थिंक 8 से 10 बंदियों ने इसको परचेज किया था, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा ट्रेंड में होगा ये। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो अगेन एक ग्रीन कलर की लूज फिट शर्ट है। इसको आपने देखा ही होगा, मैंने अभी अपने ब्लॉग में इसको वेयर किया था, आप गर्ल्स को काफी पसंद आई थी। जब मैं इसको चेक कर रही थी तो उसका कलर मुझे कुछ इस टाइप से लग रहा था कि डार्क ग्रीन आएगा, बिकॉज मैंने ज़ारा पे डार्क ग्रीन कलर की शर्ट देखी थी, उसका प्राइस था 3000 रुपीज़। फिर मैंने H&M पे देखी, इसका प्राइस था 1500। मैंने सोचा आधे में मिल रहा है तो उसको ले लिया जाए, बिकॉज H&M का भी फैब्रिक क्वालिटी तो अच्छा होता ही है। लेकिन चिंतन तो इसको बोल रहे थे इसका फैब्रिक ना कॉटन नहीं है, कुछ चटर चटर टाइप वाला इसका कुछ फैब्रिक है, मतलब कुछ तो अलग फैब्रिक है इसका, एग्जैक्ट मुझे फैब्रिक पता नहीं कौन सा है, लेकिन इसका जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लूज फिट शर्ट है तो बहुत तरह से यूज़ होगी, शॉर्ट्स के साथ, जीन्स के साथ, पैंट्स के साथ, इवन इसको ऐसे एज अ ड्रेस की तरह भी यूज़ कर सकती हूँ। इसमें जो मैंने अपना साइज पिक किया है वो है स्मॉल, थोड़ा लाइट ग्रीन कलर मिल जाता है एंड इसका प्राइस लिया है मैंने 1500 में। नेक्स्ट जो मैंने परचेज किया था ये मैंने समर्स में लिया था, लेकिन H&M हॉल ही शेयर नहीं कर पाई, वो है क्रॉप टी शर्ट। फॉल शोल्डर वाली टी शर्ट मिल जाती है, इसका जो मटेरियल है बहुत ही थिक वाला, जो थिन वाला जो कॉटन होता है ना वो है, मतलब इतना अच्छा लगता है पहनने के बाद, ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ही कूल कूल सा फील होता है इसको पहन के, बिकॉज ये इसका फैब्रिक है ठंडा ठंडा सा, अभी मैं ले रही हूँ तो ठंडा ठंडा सा फील हो रहा है पूरा। ये फॉल शोल्डर मिल जाता है एंड इसमें जो मैंने साइज पिक किया है वो है स्मॉल, ये क्रॉप में है पूरा। ऐसे तो आप हाई वेस्टेड अब जीन्स के साथ पहनोगे तो अच्छा लगेगा। लास्ट अब जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है ये एक ओपनेबल कार्डिगन, फुल स्लीव्स में रिब वाला फैब्रिक मिल जाता है, सुपर स्ट्रेचेबल है। इस टाइप के कार्डिगन आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, आप इसके साथ अपने क्रॉप टॉप एंड हाई वेस्टेड जीन्स एंड हील्स को स्टाइल कीजिए, मतलब लुक जो लगता है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर सा लगता है। इसमें भी कलर शेड अवेलेबल हैं एंड यहाँ पे ऐसे टू स्ट्रिंग दी
रखी हुई है जिसको आप नोट कर सकते हैं, ये क्रॉप में है तो अभी इस वाले वेदर के लिए काफ़ी अच्छा है ये। एंड लास्ट नहीं है, एक मुझे चीज़ और दी गई, और अभी मैंने ज़ारा से एक दो चीज़ें और परचेज की थी, वो अभी मुझे मिली नहीं है, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। जब से मैं अभी देहरादून से हूँ, आधी चीज़ें मेरी इधर पड़ी हैं, आधी चीज़ें मेरी इधर पड़ी हैं, कुछ मेरा हैदराबाद है तो मैं चीज़ें मिल ही नहीं रही हैं। अब लास्ट में जो आपके साथ शेयर करूँगी वो है ये रेब फैब्रिक में सैंडो, ये भी H&M का है। आई थिंक इसका जो प्राइस है 200 के अप्रॉक्स है, सेल में जो मैंने परचेज किया था, ये इससे भी सस्ता ही होगा। इस टाइप के जो सैंडोज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल भी होते हैं।